हेलो फ्रेंड्स, नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सो आज मैं जाने वाला हूँ कोहज फोर्ट, और कोहज फोर्ट मेरे घर से कितना 37 या 35 किलोमीटर्स दूर है। और आज मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों जा रहे हैं। और कोहज फोर्ट ट्रैकिंग वाला पूरा इलाका है, और पूरा पहाड़ी इलाका है, और पूरा मतलब जंगल से ऐसे रास्ता है, ठीक है। तो फिर आज बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ, और कोहज फोर्ट पे एक्सप्लोर करेंगे हम, और क्या क्या है ना वहाँ पे वो मैं आपको सब दिखाऊंगा, मतलब कोहज फोर्ट पे क्या है देखने लायक, क्या नहीं है, ठीक है। फ्रेंड्स, अभी मैं फ्रेंड के घर पहुँच चुका हूँ, और अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं। फिर अभी हम जा रहे हैं कोहज फोर्ट, अभी ट्रैकिंग वाला इलाका, मस्त पहाड़ी। तो फिर चलो चलते हैं, बाद में मिलते हैं आगे, ठीक है, चलो। फ्रेंड्स, ये देखो, ये है वारा रोड, और हम यहाँ से आए, ये देखो। हाँ, इस रोड से हम आए, ये मनोर से आता है, मतलब मनोर हाईवे से ये रोड आता है, ठीक है। और ये हाँ यहाँ से आता है, ये वाडा रोड है, ठीक है। और फिर यहाँ से हमें, ये देखो, यहाँ पे घर है, ठीक है, वहाँ पे बाइक वगैरह लगाया है। और फिर इस रास्ते से हमें जाना है अंदर। आपको रास्ता समझ में आ गया, ठीक है, ये रोड। चलो तो फिर चलते हैं अब इस रास्ते से आगे, चलो। और बाइक आगे लगाना है, ऐसे बोले वो लोग, हमने पूछा तो। हाँ, ये हमारा बाइक इधर, तो फिर चलो चलते हैं थोड़ा आगे, और बाइक लगाएंगे आगे। यहाँ पे हमने बाइक्स लगा दी, मेरी बाइक है यहाँ पर, हाँ बाइक लगा दी। और ये देखो, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, ये देखो फोर व्हीलर भी लेके आए हैं, ठीक है। यहाँ पे बाइक लगाने के लिए कुछ ऐसा है, मतलब ये पूरा खेत जैसा है, यहाँ पे बाइक्स कार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगा ले। अब हम जाएंगे यहाँ से पैदल पैदल, चलते चलते जाएंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रैकिंग वाला अब रास्ता पूरा, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं, आप रास्ते का एंजॉय कीजिए और हम ट्रैकिंग का एंजॉय करते हैं। वैसे ट्रैकिंग में हालत ख़राब होने वाली है, डेढ़ दो घंटा तो लगेगा ही ट्रैकिंग पे। ये देखो, यहाँ पे जाना है हमें ऊपर। यहाँ पे एक घर है, और जो मेरा रास्ता है तो इधर से ही जाता है, ये आगे से, ठीक है। और एक दूसरा रास्ता है, वो यहाँ से जाता है। तो हम अभी इस रास्ते से जाने वाले हैं, ये आगे से भी जा सकते हैं आप लोग, और इधर से भी जा सकते हैं। तो चलो मैं आपको यहाँ का रास्ता दिखाऊंगा, वो आगे से भी, यहाँ से भी जाता है, और हम इधर से अब जाएंगे। तो देखो, यहाँ से हम आए, और अभी इस रास्ते से हम जाएंगे, क्योंकि हमें ट्रैकिंग करना है, और ट्रैकिंग का इंजॉय तो ऐसे रास्ते में ही आता है। सो फ्रेंड्स, ये देखो, ये वाला वो रास्ता जो मैंने आपको बताया था कि ये रास्ता सीधा जाता है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। और हम आए इधर से ऊपर से ट्रैकिंग करते हुए, ठीक है। और ये सामने चैंटी वाटर लेक, इसका नज़ारा कुछ ऐसा। ये है वो शेल्टे वाटर लेक, लेकिन यहाँ पे अभी पानी नहीं है, क्योंकि ये देखो, रुको मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे पानी क्यों नहीं है, ठीक है। देखो, अभी आपको पता चल जाएगा यहाँ पे पानी क्यों नहीं है। ये देखो, क्योंकि यहाँ से पूरा ये जो बांध है ना, ये देखो, पूरा ये बांध टूट चुका है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा भी पानी नहीं है। और यहाँ पे जितना भी पानी होगा वो पूरा यहाँ से बह गया होगा इस साइड, ठीक है, इसलिए ये देखो थोड़ा भी पानी नहीं है यहाँ पे।
और यहाँ से हमें अब इधर से चढ़ना है, आपको दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ से उतर के और फिर वहाँ से ऐसे चलते चलते और फिर वो देखो सामने रास्ता, वहाँ से हमें चलते चलते आगे, ठीक है, तो वहाँ पे जाना है हमें एक बार, ठीक है। यहाँ से हम आते हैं तो ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसा छोटा सा बंदारा है, मतलब ये छोटा सा बांध है, ठीक है। हमें यहाँ से जाना है सीधा अंदर इस साइड, ये आगे रास्ता जाता है ना, हाँ इधर नहीं जाना है। हम जब लेक से यहाँ आते हैं ना, सीधा लेक से यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ से राइट मार के यहाँ से अंदर जाना है, ठीक है। फ्रेंड्स ये देखो जंगल के रास्ते से हम जा रहे हैं, ये देखो दोनों साइड पूरा पेड़ ही पेड़ है, ये देखो और सब हरा भरा हो चुका है। अभी बारिश का सीजन चालू हो गया ना, इसलिए पूरा हरे भरे पेड़ है दोनों साइड। और ये रास्ता देखो पूरा जंगल से है, थोड़ा भी मतलब ये नहीं दिखेगा कि दोनों साइड, मतलब चारों साइड देखो आप, चारों साइड सिर्फ पेड़ ही पेड़ है। जहाँ भी नजर जाएगी सिर्फ पेड़ दिखेंगे आपको, ठीक है। और यहाँ से पीछे रास्ता है, हाँ, और हम लगता है पास आ गए। ये देखो यह गढ़, उसके ऊपर हमें अब चढ़ना है, लेकिन अब रास्ता कितना है वो हमें मालूम नहीं। शायद से एक घंटे का रास्ता हो सकता है और ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है, चलो चलते हैं हम। आप रास्ता एंजॉय करो। सो फ्रेंड्स से देखो अब हम बैठ चुके हैं, बहुत थक गए चढ़ाई करके, और अभी और चढ़ाई करना बाकी है, और अभी पसीना पसीना हो चुके हैं हम दोनों भी। और ये देखो पत्थर पे हम थोड़ी देर बैठेंगे और फिर वापस ट्रेकिंग चालू करेंगे, बहुत थक चुके हैं हम अभी। पूरा जंगल जंगल से रास्ता है, इतना मजा भी आ रहा है ट्रेकिंग करने पे। बारिश गिर रही है फिर भी हम पसीना पसीना हो चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ा और चढ़ना बाकी है। ये देखो पूरी पूरी ऐसे खड़ी चढ़ाई है, इसलिए वो ज़्यादा थकान हो रही है ज़्यादा। हाँ देखो मेरा फ्रेंड थक नहीं रहा है शायद। हाँ बहुत थक चुके हैं हम अभी। हाँ और अगर आना रहेगा ना आपको कोचपोर्ट पे, तो सुबह सुबह आना 7-8 बजे ऐसे, क्योंकि ये बहुत मतलब अभी हमको 2 से ज़्यादा घंटा हो चुके हैं चढ़ाई करते करते। अभी आधा घंटे में हम ऊपर चढ़ेंगे, यानी आधा एक घंटा की और लगता है। चलो फिर चलते हैं।
हमारे पीछे जो है वो मानव रूपी पत्थर इसको बोलते हैं। और इसका एक खास बात है कि ये किसी इंसान ने नहीं बनाया है, ये नेचुरली मतलब नैसर्गिक बोलते हैं ना वैसे वो बन गया है। ठीक है, ये देखो देखो मैं आपको दिखाता हूँ बाद में वहाँ से दूर से, और देखो पूरे ऊंचाई से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, आप देखो कैसे दिखता है व्यू। बहुत हवा चल रहा है और ये देखो पूरा फॉग ही फॉग हो चुका है यहाँ पे। हाँ शायद आपको ठीक से दिखाई दे रहा है नहीं पता नहीं। ये देखो हमने आते आते दो मंदिर लगे, सबसे पहले एक मंदिर, बाद में दूसरा हनुमान जी का, और अब ये तीसरा मंदिर इधर है। और ये देखो ऊपर से देखो व्यू, देखो भाई पूरा फॉग ही फॉग। मेरा फ्रेंड ये इधर और हम पूरे गीले हो चुके हैं अभी। ठीक है वहाँ से आए लेकिन अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, कुछ भी नहीं। देखो वहाँ से वो देखो गाइस पूरा फॉग। तो देखो वहाँ पे बोर्ड दिखाई दे रहे हैं, वो है मेन द्वार, वहाँ से आते हैं हम यहाँ से और इधर से। ठीक है और ये देखो गाइस यहाँ पे पानी की टंकियाँ भी है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। चलते हैं फटाफट से, तो ठीक है। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करके जरूर जाना। ठीक है चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना, ऐसे ही एक्सप्लोरिंग वीडियोज आपको देखने मिलेंगे हर बार। ठीक है तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।